और भाइयों क्या चल रहा है आजकल। नमस्ते सबको, और आज हम बनाएंगे केक क्योंकि आज है संडे और आज हमारा है चीट डे, तो चीट डे में थोड़ा फन करेंगे और क्वारंटाइन चल रहा है। तो आप एक काम करो, ये वाला पैकेट होता ना हैप्पी का या कुछ भी, चॉकलेट क्रीम समथिंग कुछ भी, और किसी का भी, ये मैंने चार पैकेट यूज किए हैं, चार पैकेट लिया है पाउडर, ये हमें मिल जाएगा कोको फॉर्म पे, कोको पाउडर के फॉर्म में, क्योंकि कोको पाउडर अवेलेबल नहीं है। तो ये इस तरीके से टेक्सचर बन जाएगा, दिख रहा होगा आपको चॉकलेट दिख रहा होगा, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर देगा आपको। उसके बाद हमने ले लिया है मैदा, मैदा हमने लिया है इस कप के मुताबिक, क्योंकि ये है माइक्रोवेव का कप और माइक्रोवेव के कप के मुताबिक मैंने इसको 200 ग्राम ले लिया है। उसके बाद आपको चाहिए वेजिटेबल ऑयल, हाफ कप चाहिए वेजिटेबल ऑयल। उसके बाद आपको जो मेन चाहिए, अगर आपको माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव को सबसे पहले प्रीहीट करेंगे इसके अंदर, और प्रीहीट 10 मिनट प्रीहीट के बाद चलाएंगे, और बताऊंगा कैसे। ये स्टैंड है, इसके ऊपर रखेंगे, ये है जिसमें हम बनाएंगे, और इसके लिए सपोर्ट एक और चीज की जरूरत है, शुगर को ग्राइंड करूंगा मैं व्हाइट शुगर के फॉर्म में, और इन तीनों को मिक्स करूंगा, वो मैं बताऊंगा। मेरा कोको पाउडर तैयार है, कोको पाउडर को मैं इसको इसके 200 फ्लोर के अंदर डाल दूंगा। देखो अगर तो आपको मतलब टेस्ट चाहिए और आपको किसी को दिखाना नहीं है, प्रिटेंड नहीं करना लाइक किस तरीके से बना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लम्स आ जाते हैं या केक में कुछ भी हो जाता, तो कोई मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि खाने पे डिपेंड करता है, खाना स्वाद होना चाहिए, इट्स नॉट डिपेंड कि आप मतलब ठीक है, अगर आप किसी के लिए बना रहे हो तो आप बढ़िया बनाइए, बट मेरे लिए तो जिस तरीके से भी बन जाए, क्योंकि एट टाइम खाना टेस्ट अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो मैटर ज्यादा करता है मेरे लिए। तो मैंने कोको पाउडर को तो ऐसे डाल दिया, अगर आप प्योरिफिकेशन ज्यादा चाहिए इसमें तो आप एक छन्नी का यूज करिए, छन्नी से क्या होगा जो उसके मोटे मोटे जो होंगे मतलब जो पीसे नहीं होंगे अच्छे तरीके से, वो बाहर निकल जाएंगे, और प्योर पाउडर के फॉर्म में ये कोको पाउडर आपको मिल जाएगा। बट मैं ऐसा वैसा नहीं करने लगा, मैं इसको सीधा इसके अंदर डालने लगा, और मैंने ये डाल दिया है। अब मैं शुगर को ग्राइंड करूंगा, शुगर जिस तरीके से आप अपने टेस्ट के मुताबिक दीजिए, शुगर या मैंने तो नमक दे दिया सॉरी। और ये शुगर हमारे पास आ चुकी है, शुगर। तो ये मैंने 1, 2, 3, 4 इज इनफ फॉर मी, बिकॉज मैं ज्यादा शुगर नहीं खाता, आज चीट डे है तो ऐसा ना हो पूरे हफ्ते की माँ बहने को, तो आज चीट डे है तो ज्यादा नहीं करूंगा मैं, तो मैं ये वाला शुगर देखो, इसको शुगर को मैं अब इस शुगर को पीसूंगा, वाई फॉर्म में निकलेगा, शुगर रेडी हो चुकी है, ये देखिए शुगर भी मैं इसमें डाल दूंगा, शुगर हमने डाल दी है इसके अंदर। ओके तो इसको हम रख देते हैं साइड पे। तो गाइस हमें दो और इम्पोर्टेंट चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए ये हमारा है मेरे हिसाब से बेकिंग पाउडर, ये आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, बेकिंग पाउडर थोड़ा सा लेंगे, बेकिंग पाउडर ओके, दिस इज पिंच मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, थोड़ा सा कम भी खाना चाहिए बेकिंग पाउडर, और ये बेकिंग सोडा है जी मैंने इसमें डाल दिया हुआ है एक, तो ये दोनों इसमें डाल दो, ठीक है डाल दिए हमने, और उसके बाद हम इसको मिक्सचर को थोड़ा सा मिलाएंगे। अच्छा आप अगर एग वाला बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर अंडे भी डाल सकते हैं, 2, 3, 4 वो टोटली आप पे डिपेंड करता है आपने कितने बनाने हैं, कितने अंडों का बनाना है। तो हमें इसके साथ एक और चीज चाहिए, वो है मिल्क, मिल्क चाहिए हमें, मैंने मिल्क इसमें डाल लिया है 1 गिलास मिल्क, वो हिसाब से बैटर बनाएंगे जब, कि वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, थिक होना चाहिए, तो उस चीज से हम उसको बनाएंगे, इसलिए मिल्क का यूज करेंगे कि वो पतला करने के लिए काम आए। तो अब ये आप देखो मेरा, ये देखो ये तैयार हो चुका है इसका मिक्सचर, इस तरीके से तैयार हो गया है। इसके अंदर अब हम डालेंगे घी या ऑयल या वेजिटेबल ऑयल, व्हाटएवर यू से, व्हाटएवर यू हैव इन योर ओन होम, आप ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हो, आप किसी भी ऑयल का यूज कर सकते हो जो भी आपको अवेलेबल मिले। मैं ऑलिव ऑयल का यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास है नहीं, और मैं आज पता है आपका संडे है, और आज संडे के दिन हम मारेंगे चिल, और हम खाएंगे केक, और हम हफ्ते की फ्रस्ट्रेशन आज इसी केक में निकालेंगे। और ये देखो ये मिक्स हो गया, इसको प्रॉपर मिक्स करोगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑयल कितना, मेरा लिक्विड ऑयल, और ऑयल मैं इसमें डाल रहा हूँ, अगर आपके पास ये मेजर वाला है तो मैं इसमें 1 कप ऑयल डाल रहा हूँ, 1 कप ऑयल मैं इसमें डाल दूंगा, ये देखिए आपके सामने ही डाल रहा हूँ। ऑयल से क्या होगा गाइस, ये सॉफ्ट हो जाएगा, सब बताते नहीं, बट ऑयल का काम ही है कि सॉफ्ट करे, कई लोग कंडेंस मिल्क का यूज करते हैं, कई लोग बटर का भी यूज करते हैं, यार जितना आपने बढ़ाना है बढ़ा लो, हम तो सिंपल से बनाएंगे क्योंकि हमें खाने का कर रहा है मन। और देखो यार ये हमारा इस टाइप में स्टार्ट हो रहा है बनना, हम इसको करते रहेंगे गर्म गर्म अपने मसल्स को थोड़ा सा हम काम करने को कहेंगे, क्योंकि खाना भी है उसके बाद। तो इस तरीके से फिर आप इसके अंदर अपने एडिशनल मिल्क यूज कर सकते हैं, और मिल्क गाइस नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ज्यादा ठंडा होगा तो वो जमा देगा आपको। और ये इस तरीके से कर लो, आराम आराम से करते जाओ, मिल्क डालते जाओ और ये करते जाओ। हमारा तैयार हो जाएगा, उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे मेरे पास IOP का माइक्रोवेव है 23 लीटर का, और मैं सबसे पहले इसके कन्वेक्शन मोड पे जाऊंगा, कन्वेक्शन मोड को क्लिक करूंगा, 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको प्री हीट करूंगा फॉर 10 मिनट्स के लिए, और यहां से कर देंगे हम स्टार्ट।
और मेरा बैटर भी तैयार है और मैं इसको ग्रीसिंग करूंगा क्योंकि चिपके ना, तो इसको ग्रीसिंग करेंगे वेजिटेबल ऑयल के साथ। वेजिटेबल ऑयल के साथ अपने हाथों से ग्रीसिंग कर लीजिए अच्छी तरीके से, इसको लगा दीजिए कि हमारा चिपके ना। सॉरी फॉर दिस, बट आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, या आप अपना पेपर भी यूज कर सकते हैं, बटर पेपर आता है मार्केट से, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप वेजिटेबल ऑयल का अच्छे तरीके से यूज करिए। वेजिटेबल ऑयल से हमें ये होगा कि हम इसको से चिपकेगा नहीं, और जब आपका केक बनेगा तो आराम से जब इसको निकालेंगे तो अच्छे तरीके से निकालेंगे। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा हम डालेंगे क्योंकि मैदा का हम डस्टिंग करेंगे। ये देखिए अब इसमें मैदा है, मैं मैदे को इसके ऊपर डस्टिंग कर रहा हूँ कि हमारा केक चिपके ना। ये तो सब उसके लिए ही हो रहा है कि चिपके ना अच्छे तरीके से। साइड से मैदे पे सब कुछ डाल दीजिए कि हमारा कोई भी चिपके ना, बस केक हमारा इजिली वापस आ जाए। तो मैंने जिस तरीके से आप देख रहे हो मैं डाल चुका हूँ इसके ऊपर। ओके, बहुत ज्यादा हो गया, अगर ज्यादा हो गया तो आराम से करके थोड़ा सा चाहे निकाल लीजिए, तो चिपका हुआ चिपका हुआ। ये देखिए अब मैं इसको इस बर्तन में ट्रांसफर करूंगा। लुक, जब ऊपर से गिरेगा आप देख लोगे। आप देख रहे हो मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया, और आपको लास्ट के लिए आपको थोड़ा सा इसको काटना पड़ेगा इस तरीके से। यस, तो कि कोई बबल्स ना रह जाए केक बनने, जब बन के आएगा तो कोई बबल्स ना रह जाए, मेक श्योर इसके लिए हम इसको लम्स ना रह जाए, इसलिए इसको हम फिर हिलाते हैं थोड़ा सा। तो इसको हम हिला चुके हैं, हमारा माइक्रोवेव प्री हीट हो चुका है बढ़िया, 180 डिग्री सेल्सियस पे हमने किया था। तो आइए, माइक्रोवेव हिल चुका है और सबसे पहले हम इसके अंदर ये वाला रैक डालेंगे दिस। और ये थोड़ा सा मेरा आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से बना है, कंटेनमेंट थोड़ा सा बड़ा है मेरे पास, आप कुछ नहीं करिए, आप इसको सिंपली इसमें डाल दीजिए। ये मैं इसके अंदर इसको डाल रहा हूँ, जैसे कि आपको पहले पता है मैंने इसमें प्री हीट कर चुका हूँ। इसको अब यहाँ से करेंगे बंद, कन्वेक्शन मोड पे दोबारा जाएंगे, कन्वेक्शन मोड पे दोबारा जाएंगे, पहले कन्वेक्शन 180 पे, और अब इसको 20 मिनट्स के लिए पकाएंगे। 20 मिनट्स स्टार्ट कर दें, तो 20 मिनट्स के बाद मिलते हैं, देखते हैं। बन चुका है, ये देखिए यार, इसके ऊपर कुछ मैंने लटरम पटरम नहीं करना। अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ये देखो मेरा बेक हो चुका है, दिख रहा होगा आपको, प्रॉपर ब्रेक हो चुका है। अब हम इसको हमें निकालना है, इसको सबसे पहले माइक्रोवेव से जब निकालोगे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि जब आप उतारोगे नहीं तो चिपक ना जाए। तो अब हम इसको उतार के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा। तो ये देखो गाइस, मेरा केक बन चुका है, ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया है, कहीं से टूटा नहीं है, ये सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बना है। और आप भी इस तरीके से अपने घर पे बना सकते हैं, क्वारंटाइन का फायदा लीजिए, अपने टैलेंट को दिखा दिए, यूट्यूब से नया नया सीखिए। चलो गाइस चलते हैं, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।